हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉफ्टेड चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ईपीएनएस पुश के बारे में। तो यहाँ कई सारे वेब थ्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम वैसे बात करें तो पोलकाडॉट आता है इसमें, चेन लिंक, फाइल कॉइन, कई सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो हम ऑलरेडी बाय करके होल्ड करके बैठे हैं कि अभी मौका आएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम सस्ते कॉइन्स की बात करें जिसमें बीटीटी जैसे बीटीटीसी, अभी जो नया बीटीटी आया है, इस तरीके के कॉइन्स भी हैं और भी कई सारे कॉइन्स हैं। इथेरियम नेम सर्विस है, ईपीएनएस है, तो कई सारे कॉइन्स हैं। लेकिन EPNS जो प्रोजेक्ट है ये हमारे इंडिया का प्रोजेक्ट है, ये वेब थ्री बेस्ड प्रोजेक्ट है, सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स में से एक है। और इनके पास अभी फंड्स भी काफ़ी हैं कि ये अभी रेगुलर बेसिस पर रॉकस्टार नॉमिनीज बनाते हैं, यानी कि जिसमें क्या कि 900 पुश कॉइंट्स हर हफ्ते किसी न किसी को दिए जाते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको ये नॉमिनी कैसे बनना है, या फिर आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, आपको किस तरीके से विन करने का मौका मिलेगा। और दूसरा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ईपीएनएस गवर्नेंस क्या है। तो गवर्नेंस आपने शायद और भी प्रोजेक्ट्स में सुना होगा, चाहे ट्रॉन की बात करें, ट्रॉन दाओ बन चुका है, तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स जहाँ गवर्नेंस रहती है। गवर्नेंस से आपको क्या है कि एक राइट्स मिलते हैं या फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर पाओ, वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगे, वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको हमारे क्रिप्टो कॉल्स मिलते रहेंगे, सिग्नल्स मिलते रहेंगे और अपडेट्स भी साथ के साथ मिलती रहेंगी। तो ईपीएनएस गवर्नेंस की तरफ बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, आपको किस तरीके से फ्री ईपीएनएस विन करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पहले जो था वो था 2400 पुश कॉइंट्स। 2400 बहुत ज़्यादा होते हैं, 2400 पुश कॉइंट्स। और इसी के साथ एनएफटीज भी दिए जा रहे थे, एक एक एनएफटी, रॉकस्टार एनएफटी सभी विनर्स को। लेकिन अभी इसको 2400 से थोड़ा नीचे कर दिया क्योंकि मार्केट भी थोड़ी डम में चल रही है। लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, 900 पुश कॉइंट्स मिल रहे हैं। तो 900 पुश कॉइंट्स आप कैसे विन कर सकते हो, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। तो ये जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सबके लिए जो इंडियन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं और फ्री में या विनिंग्स करना चाहते हैं, या फिर जो क्रिप्टो में कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पार्टिसिपेशन की, तो आप यहाँ डेवलपमेंट ब्लॉक्स, वर्कशॉप्स, एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, या फिर कोई भी क्रिएटिव कंटेंट बना सकते हो जिससे आप इसके हिस्सेदार बन जाओगे। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से ईपीएनएस में कंट्रीब्यूट करते हो, ईपीएनएस एक्सप्लेन करने में या फिर पुश कॉइन के बारे में कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर आपका रहता है तो आप इसमें नॉमिनी बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि अगर आप पीआर प्रोवाइड करते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, सेवरल एसडीकेस के लिए, फ्रंट एंड के लिए, रेपोस के लिए, तो यानी कि अगर आप एक डेवलपर हैं तो डेवलपर के लिए भी एक मौका है। अगर आप क्रिएटर हैं तो क्रिएटर तो ऑब्वियसली यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, कई तरह के कंटेंट आप ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इवन यूट्यूब के ऊपर, कहीं भी ये कंटेंट आप डाल सकते हो और उससे आप नॉमिनी बन सकते हैं। यानी कि आपको सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे ही सिलेक्ट किया जाएगा तो आपका ट्विटर नेम, आपका ट्विटर जो हैंडल है, ट्विटर यूज़र नेम, उसको टैग कर दिया जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसमें पार्टिसिपेट करना। इसके अलावा जो लोग रेगुलर बेसिस पर ब्लॉग्स लिखते हैं तो वो ब्लॉग्स लिख सकते हैं, या फिर सबसे आसान चीज़, आसान भी और अच्छी भी है, जो है ईपीएनएस के मीम्स बनाना। तो यहाँ लिखा गया है कि किलर मीम्स बनाना, यानी कि सबसे अच्छे अगर आप मीम्स बनाते हो पुश को लेकर, वेब थ्री बेस्ड प्रोजेक्ट को लेकर, ईपीएनएस को लेकर, अगर आप यहाँ मीम्स बनाते हो तो आप इसमें फिर भी नॉमिनी सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप ट्विटर थ्रेड्स बनाते हो, ईपीएनएस की एक्सप्लेनेशन करते हो, या फिर कुछ भी डिज़ाइन करते हो इनके लिए, किसी भी तरह का कंटेंट बनाते हो, तो देन ऑब्वियसली आप इसमें नॉमिनी हो सकते हैं। तो आज से ही आप शुरू कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, जैसे आप नॉमिनी बन जाओगे उसके बाद क्या है कि आपको वोटिंग मिलेगी। वोटिंग के साथ साथ अगर आपके जो पुश हैं, अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि आपकी जो वोट्स हैं वो ज़्यादा हैं, वो कम एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि यहाँ चार नॉमिनीज होंगे, अगर आपकी ज़्यादा तो आप विन हो जाओगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ गवर्नेंस का और यहाँ वोटिंग कैसे होती है। ईपीएनएस गवर्नेंस अगर हम इन जनरल बात करें तो, अगर जैसे कि आपके पास शेयर्स रहते हैं किसी कंपनी के, तो शेयर्स होने पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक वोटिंग राइट मिलता है कि आप कंपनी का कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कुछ भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो आपका वहाँ आपका निर्णय, आपका डिसीजन लिया जाएगा। तो यानी कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें रहेगा रहेगा, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आप अपनी वोट दे सकते हो। बिल्कुल वैसे ही वेब थ्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी गवर्नेंस रहती है, या फिर हम बोल लें कि क्रिप्टो स्पेस में भी यहाँ गवर्नेंस रहती है, आप यहाँ एज ए गवर्नेंस में काम कर सकते हो। तो गवर्नेंस मैकेनिज्म में यहाँ कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले ईपीएनएस की बात करें तो इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस, खासकर ये यूज़ किया जाता है डेवलपर्स के द्वारा,
डेवलपर्स भी यूज़ करते हैं, या फिर आप यहाँ चैनल क्रिएट करके खुद का भी लगा सकते हैं, जिसका वीडियो सेपरेट हम बनाएंगे कि डेक्स के ऊपर या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप यहाँ नोटिफिकेशंस ऑन करना चाहते हैं, वेब थ्री बेस्ड नोटिफिकेशंस, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि ये एक टेक्निकल पार्ट है जिस कारण मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इस वीडियो में, लेकिन फिर भी इनका जो पुशकॉइन है, पुशकॉइन ने हमेशा बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हमारे पोर्टफोलियो को, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया। अभी वैल्यू बहुत कम चलती है, तो मौका है आप इसको थोड़ा बैग भी कर सकते हैं, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पुशको प्रोटोकॉल फीस के लिए, नोटिफिकेशन फीस के लिए, ग्रांट्स के लिए, इन प्रोटोकॉल प्रपोजल्स के लिए कई जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको बता दें कि गवर्नेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ऑपरेशंस के लिए, मैनेजमेंट, इंटरनल पॉलिसीज के लिए, तो हर जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन ये डेट्स पे करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता, या फिर ट्रांजैक्शंस एक्सचेंजेस के ऊपर करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता। तो एक्चुअल में अब हम गवर्नेंस के ऊपर आते हैं, मेन गवर्नेंस है, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो जिनके पास पुश कॉइंस होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उनके पास ये पावर रहेगी, उनके पास ही गवर्नेंस या वोटिंग राइट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ आती है पुश नॉमिनी, तो आप इसमें नॉमिनी बन सकते हो, यानी कि अगर यहीं अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, कुछ भी कंट्रीब्यूशन करते हो ईपीएनएस में, वेब थ्री स्पेस में, तो आप इसमें पुश नॉमिनी बन सकते हैं। नॉमिनी बनने पर आपको यहाँ ये कॉइन्स फ्री में मिलने वाले, यानी कि अगर आप विन करोगे तो आपको ये कॉइन्स मिल जाएंगे। इसके अलावा पुश डेलीगेट्स, डेलीगेटीज बोल सकते हैं, अगर आपके पास 75,000 पुश कॉइन्स हैं तो आप एज ए डेलीगेटी बन जाओगे। इससे क्या है कि आप प्रपोजल दे पाओगे किसी भी स्नैपशॉट का, किसी भी फॉरन के ऊपर अप्रूव होने के लिए। अगर दूसरी चीज़ है पुश होल्डर्स, तो पुश होल्डर्स उनके पास वोटिंग पावर रहती है, पावर मतलब अगर आपके पास पुश कॉइंट्स है तो आप यहाँ वोटिंग करोगे तो उस नॉमिनी को भी आप जिता सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ रॉकस्टार एपीएनएस की बात नहीं करी जा रही, रॉकस्टार एपीएनएस मतलब जो एक कॉम्पिटिशन चल रहा है ये, जहाँ नॉमिनेट किया जाता है और फ्री में पुश कॉइंट्स दिए जाते हैं, उसके अलावा भी आपको यहाँ एज ए होल्डर वोट करने की पावर मिलती है। जो भी आगे चल के कोई भी इवेंट आता है तो आपको यहाँ हमेशा पावर ये रहेगी आपके पास। पुश चैंपियंस भी है, पुश चैंपियन एक्चुअल में डिसेंट्रलाइजेशन को और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देती है, यानी कि इसको और भी ज़्यादा इनकरेज करता है। तो इसमें चैंपियंस के पास कुछ ना कुछ पावर रहती है, मेटा गवर्नेंस की पावर रहती है। तो यहाँ कई तरह के चैंपियंस हैं, जैसे कि कम्युनिटी चैंपियंस हैं, टीम चैंपियंस हैं, इलेक्टेड चैंपियंस हैं, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, आपकी गवर्नेंस को यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे। अब हम बात करें कि यहाँ किस लेवल तक की आपके पास पावर रहती है अगर आपके पास पुश कॉइंस हैं, अगर आप यहाँ गवर्नेंस में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो अगर फी स्ट्रक्चर चेंज करना है, नॉमिनेट करना है किसी को, तो वहाँ भी आपकी राय ली जा सकती है, यानी कि आप वोट करके वहाँ भी हेल्प कर सकते हो कि या फिर अपना डिसीजन सामने रख सकते हो। इससे क्या है कि जो प्रपोजल्स हैं वो फॉरम में डाले जाते हैं, या तो अप्रूव हो जाते हैं या फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। जो भी अप्रूव होते हैं उनके ऊपर फर्दर डिस्कशन होती है, फिर उनके ऊपर वोटिंग होती है। तो इस तरीके से आप पुश रॉकस्टार में भी आ जाते हैं, और पुश ग्रांट्स भी रहती हैं, यानी कि अगर कोई बड़ा काम करना है या फिर कोई और डेवलपमेंट्स करनी है तो अगेन यहाँ प्रोग्राम प्रपोजल्स रहते हैं, तो उसमें आप ग्रांट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या फिर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ ग्रांट प्रोग्राम के लिए अगर आप प्रपोजल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहाँ भी कई सारी कंडीशंस हैं, लेकिन कोई खास बहुत बड़ी नहीं। अगर आपके पास पुश है तो आप इसमें प्रपोजल लाइव रहता है सात दिन रहता है, तो जिसमें आपको 10 लाइक्स चाहिए, 3 कमेंट्स चाहिए, ऐसी कुछ छोटी छोटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनको आपने फॉलो करना है, या फिर उससे अगर आप अप्रूव होते हो तो आप इसमें ग्रांट प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं, लेकिन बेसिक तो क्या है, अगर आप किसी और प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ भी आप ये सब कर पाओगे। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप कोई भी कॉइन होल्ड करते हो तो आपके पास उतनी पावर भी रहती है, जैसे कि शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर रहती है। तो ये सब कुछ था ईपीएनएस के बारे में। और हाँ, बार बार मैंने यहाँ रॉकस्टार ईपीएनएस की बात करी है, तो उसका मतलब ये भी है कि आप इसमें चाहे मीम बनाकर, कुछ भी कंटेंट बनाकर, एज ए डेवलपर हो तो कंट्रीब्यूट करके हिस्सा ले सकते हैं, और आप भी इसमें एज ए नॉमिनी बनेंगे, और उसके बाद अगर आप विन करते हैं तो 900 पुश टोकन्स मिल जाएंगे। तो यही था हमारा वीडियो, जो कि इंडियन वेब थ्री बेस्ड प्रोजेक्ट का था, सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिस कारण ये वीडियो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने लेकर आना। इसके अलावा और भी हमारे वीडियोस आते रहेंगे, एंड हाँ, नोटिफिकेशंस कैसे ऑन करने हैं डेक्स के, तो वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोस के सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।